नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। राजधानी लखनऊ में स्पा पार्लर में पकड़े गए विशाल सैनी ने समाज के डर से परिवार से नजरें ना मिला पाने के चलते की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा तेज तर्रार ईमानदार आईपीएस अधिकारी एडीसी भी उत्तरी प्राची सिंह का नाम। काफी दिनों से मिल रही थी स्पा पार्लर की शिकायतें, जिसमें पुलिस ने डाला था छापा। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने भी इस स्पा पार्लर की ट्वीट के माध्यम से की थी शिकायत। इंदिरानगर स्थित ओमाया ब्यूटी पार्लर पर पुलिस ने छापा मार 35 लोगों को किया था गिरफ्तार। स्पा पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालन में शामिल विशाल सैनी ने आत्महत्या की। अगर इसी तरह आत्महत्या कर अपराधी सुसाइड करते रहेंगे तब फिर पुलिस काम कैसे करेगी। विशाल सैनी सचिवालय कर्मी था और स्पा पार्लर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिसकी जानकारी रिश्तेदारों और उसके दोस्तों को हुई थी, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया और समाज के डर से परिवार से नजर ना मिला पाने के चलते उसने आत्महत्या कर ली। तेज दरार आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह का नाम सुसाइड नोट में लिखकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। उस सुसाइड नोट की जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार उसी के हैंडराइटिंग में लिखा सुसाइड नोट है या आईपीएस प्राची सिंह को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। बहुत ही ईमानदार आईपीएस अधिकारी एडीसी उत्तरी प्राची सिंह के खिलाफ ऐसी झूठी बातें निराधार हैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। अगर ऐसे ही होता रहा तो पुलिस को काम करने में बहुत कठिनाइयां होंगी। रोज कई अपराधी ऐसे ही लोग पकड़े जाते रहेंगे और ऐसे ही वो आत्महत्या करते रहेंगे तो पुलिस काम कैसे करेगी। एडीसी में उतरी रहते हुए आईपीएस अधिकारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों की कमर टूट गई थी। फिर चाहे वो हुक्का बार हो या स्पा पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट हो या सट्टा या जुए का कारोबार करने वाले अपराधी हो, सभी की कमर तोड़ कर रख दिया था एडीसी में उतरी प्राची सिंह ने। उनकी ईमानदारी और काम करने के तरीके से अपराधियों में हड़कंप मच गया था। विशाल सैनी का सुसाइड नोट कहीं अपराधियों की कोई बड़ी चाल तो नहीं, क्योंकि एडीसीवी की कार्यप्रणाली से अपराध करने वालों में हड़कंप मचा हुआ।